दोस्तों हम निकल चुके हैं मुंबई के लिए और ये मऊ से हम गुजर रहे हैं। ये मऊ का आर्मी कैंप है। मऊ का फुल फॉर्म वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये राइट हैंड पे गौतम बुद्धा की मूर्ति लगी है, इतनी सुंदर मूर्ति है और इसके सामने ये बेंचें लगी रहती है। यहाँ पे आके बैठो आप, मज़ा आता है। ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है MH। ये सामने राइट हैंड पे बिल्कुल अंदर बहुत अच्छी सुविधाएँ रहती है इन हॉस्पिटलों में। मुंबई का रास्ता देखो, सामने बोर्ड लगा है मानपुर और धामनोद होते हुए। और ये सामने है अशोक एम्बलम, केंट बोर्ड आ गया सामने। तो यहाँ पे अभी अभी इन्होंने सिग्नल लगाए हैं, वैसे यहाँ पे सिग्नल नहीं थे, अभी कुछ ही दिनों पहले लगाए हैं, करीब 2-2.5 महीने पहले। इसके पहले चारों रास्ते खुलते थे लेकिन अभी क्या ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो इस वजह से यहाँ पे सिग्नल लगा दिए। राइट हैंड पे कैंटोनमेंट हाउस है और लेफ्ट हैंड पे DSO है मऊ का। जो हम यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं और आगे जा सकते थे हम, पर उधर से लंबा पड़ता है तो हमने यहाँ से शॉर्टकट मार लिया है। लेफ्ट हैंड में मऊ किला 1821 का बना हुआ है ये। मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है और गाने सुनते हुए आ रहे थे हम। ये सुहाना सफर और ये मौसम हंसी आप भी सुनिए। ₹562 किलोमीटर है यहाँ से मुंबई और अभी सुबह की लगभग 9:30 बजी है। अभी आगे थोड़ा एक बहुत अच्छा सीन आने वाला है, प्राकृतिक दृश्य जो होता है। इंदौर के बहुत नज़दीक है, यदि आप इंदौर या मऊ के आसपास रहते हैं तो आपको यहाँ पे सैटरडे संडे किसी भी दिन आ सकते हैं। वैसे तो वो शमशान घाट है लेकिन वहाँ आसपास की जो पहाड़ियाँ और जो तालाब है उससे जो लोकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोजेनिक हो जाती है। आर्मी कैंप जो होता है, जब रेसिडेंस होता है या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो मल्टी स्टोरी नहीं बनाए जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आजकल जगह की इतनी कमी हो गई है और इतने मतलब चीज़ें हो गई हैं कि आपको मल्टी स्टोरी में अब रहना पड़ रहा है सैनिकों को। मल्टी स्टोरी पहले इसलिए नहीं बनाए जाते थे क्योंकि अचानक से आपको युद्ध के लिए जाना पड़े तो आपको टाइम नहीं लगे ऊपर से नीचे आने में। लेकिन अब चूंकि लिफ्ट भी आ गई है तो इसलिए भी बना दी गई है। दोस्तों यह मिस्टिक ध्यान योगा निकेतन, जामली आश्रम बोला जाता है इसको। ओशो का आश्रम है, यहाँ आप आ सकते हैं ध्यान के लिए, साधना के लिए। तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह इलाका बहुत ही शानदार। अभी भी यहाँ पे शाम के समय कुछ जंगली जानवर देखे जाते हैं, तो शाम को या रात को यहाँ पे लोग अभी भी अकेले बाहर नहीं निकलते।
दोस्तों, हम इंदौर से निकल चुके हैं मुंबई के लिए और कल वैसाखी है और यहाँ पे देखिए पूरी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। सारे गुरुद्वारे साहब को बहुत अच्छी तरह से मशीनों द्वारा धुलाई की जा रही है और एकदम नीट एंड क्लीन सारे सेवादार लगे हुए हैं और कनात लगना चालू हो गई है, शामियाने बनना चालू हो गए हैं और ऊपर शानदार शेर खड़ा हुआ है यहाँ से झांकता हुआ। तो जब भी आप धुलिया से क्रॉस हो, धुले नाम हो गया आजकल इसका, तो जब भी आप धुले से क्रॉस हो, ये ब्रिज के यहाँ से आपको गुरुद्वारा दिख जाता है। गुरुद्वारे का जो गुंबद है आपको ऊपर से ही दिखेगा और बहुत बड़ा और विशाल गुरुद्वारा है। आप इस गुरुद्वारे में ज़रूर आएँ। यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है और रूम भी हैं, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल रहते हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिख हो, आप यात्री होना चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं। एसी रूम है, बढ़िया रूम है, तो आप यहाँ पे रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। और ये गुरुद्वारे में अब दर्शन करने जा रहे हैं हम। कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है, वॉच पॉइंट होता है वहाँ पे, गाड़ी रोकना थोड़ा सेफ रहता है। चलते हुए घाट पे कहीं पे भी गाड़ी आप रोक नहीं सकते, रिस्की होता है बहुत ज्यादा। तो हमें अनिल जी ने परमिशन नहीं दी गाड़ी रोकने की और हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते आप देखिए कितने सुनहरे नजारे आपको दिखा रहे हैं। ये सारे नजारे कैप्चर कर रहे हैं अनिल गहलोत जी अपने कैमरे में, बहुत ही शानदार। वो एक गाना याद आ रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। इसके अलावा एक और याद, हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
जिंदगी यूं ही चलती रहे। गाड़ी में हमारा म्यूजिक बज रहा था, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, लेकिन घाट है इस वजह से हमने म्यूजिक पूरा बंद कर दिया है। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, घाट पे यदि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसे टोटल जीरो कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, घाट पे म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा सा साउंड आ जाता है, आपको समझ में आता है कि कोई पीछे गाड़ी आ रही है, क्या कोई हॉर्न बजा रहा है। कई बार घाट पे गाड़ियां कंट्रोल नहीं हो पाती है, आप तो बहुत अच्छी कर लोगे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अचानक से लाइन चेंज कर देते हैं, तो म्यूजिक होने की वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है। तो घाट के जब ऐसे खतरनाक घाट होते हैं तब आपको म्यूजिक हमेशा बंद रखना चाहिए। आप में से कई लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए एक नई बात है कि घाट पे आपको आपका म्यूजिक सिस्टम बंद कर देना चाहिए। किस किस को नहीं पता थी ये बात, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी यह बात कैसी लगी कि घाट पे म्यूजिक बंद रखना चाहिए, और उसका जो लॉजिक दिया हमने वो कैसा लगा, आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आपके विचारों से अवगत कराएं, और थोड़ा सा समय निकाल कर कमेंट जरूर करें, हमारी भी हौसला अफजाई होती है, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं हमें आपके कमेंट पढ़ते हुए, तो आप जरूर कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।